हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमने बनाया था भरवा परवल, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बनके तैयार हुआ था। और इसमें एक हमने खास ट्रिक लगाई थी, जिससे आपका भरवा बनाने का, आप किसी भी चीज़ का भरवा बनाने बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ हमने आलू भी लिया है, आलू का भी हमने ऐसे कलौजी की टाइप का बना लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने देखिए परवल लिया है, परवल मीडियम साइज़ के ही हैं और ये थोड़ा सॉफ्ट परवल है, क्योंकि परवल थोड़ा कड़क भी होते हैं, थोड़ा सॉफ्ट। तो इस तरीके से चाकू से हम इसको ऊपर का लेयर इसको हल्का हल्का छील लेंगे। इसको छीलने से नहीं छीलना है, इसको चाकू से ही छीलना है। तो देखिए, इसको हमने छील के बहुत अच्छे से धुल लिया है और फिर इसका पानी निकलने के बाद हमको इस तरीके से इसमें बीच में से उसको कट कर देना है। उसको पूरा निकालना नहीं है, बस बीच में से ही कट कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ कुछ परवल में बीच में क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो अभी हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, तो इसको हमने साइड में रख दिया है। और यहाँ हमने देखिए आलू बॉयल करके रखा था, तो आलू बॉयल करके जो इसका भी कलौंजी टाइप का ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भरवा को कलौंजी भी बोलते हैं, क्योंकि आलू के साथ भरवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कुछ लोग केवल सिंपल भरवा बनाते हैं। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यह मसाले में डालने के लिए हमने यहाँ पे प्याज लिया है, प्याज हमने एक बड़े साइज का लिया है, और लहसुन लिया है और मिर्चा लिया है। अभी हम इसको बहुत ही अच्छे से एकदम बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा लहसुन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस के रख देंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे पहले कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और फिर उसके बाद जो हमने परवल कट करके रखे थे उसको हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि परवल हमारा होता रहेगा, फिर हम एक तरफ मसाला बनाते रहेंगे। क्योंकि परवल को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 50% ही पकाना है, क्योंकि परवल हल्का सा गल जाए ताकि उसका बीज जो है वो अच्छे से निकल जाए। और इसमें हम थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा जल्दी गल भी जाता है। तो चलिए, वहाँ हमने परवल रख दिया है पकने के लिए और यहाँ हम अब इसका मसाला बना लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पे पेस्ट बना के रखा था लहसुन अदरक और प्याज का, लहसुन प्याज और मिर्ची का, उसको हम ले लेते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी का मसाला, जिसे भरवा का मसाला भी कहते हैं। यह मसाला बहुत ही ऐसे सूखे मसाले को पीस के भून के फिर बनाया जाता है। कभी हम आपके साथ शेयर करेंगे इसको। यह मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसको बना के इकट्ठा रख लेते हैं। फिर हम इसमें नमक और अमचूर ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से बिल्कुल मिला लेंगे। और जानते हैं, ये मसाला बना के रख दीजिए और बच्चों के लिए आप आलू सिंपल तल के ये मसाला डाल के दे दीजिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं। तो देखिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ हमारा परवल भी लगभग हो चुका है, क्योंकि ये इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना था, सिर्फ 50% ही पकाना था। तो ये परवल भी लगभग हो गया है, इसको हम थोड़ा सा और चला लेंगे ताकि ये दोनों तरफ अच्छे से हो जाए। फिर हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा हो जाएगा फिर कुछ कुछ परवल में आपके बीज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कड़क होते हैं, फिर हम उसको निकाल देंगे। अगर आप पहले से बीज निकाल देंगे तो वो परवल बिल्कुल चिपटा हो जाएगा और बिल्कुल सूख जाएगा, इसलिए परवल हम का बीज जो है हम उसको पकाने के थोड़ा बाद में निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से हल्का सा ठंडा हो गया था, तो हम इस तरीके से जो हमने मसाला बना के रखा था उसको इसमें इस तरीके से भर देंगे और मसाला थोड़ा हल्का हल्का लेके ही इसमें भरेंगे और अच्छे से इसमें इसको अंदर एकदम फिल करके इसको अच्छे से दबा देंगे। तो यहाँ हमने जो मसाला रखा था वो सारा एक एक परवल लेके उसमें डाल देंगे। तो देखिए, हमारे सारे मसाले बहुत अच्छे से इसमें डल गए हैं। अब हम यहाँ पे देखिए, जिस कढ़ाई में हमने परवल को पकाया था उसी कढ़ाई को लेंगे, उसमें थोड़ा उसको गर्म करेंगे। और यहाँ पर हमने ये देखिए टूथपिक्स लिया है। तो आप सोचते होंगे अब इसका क्या काम है, तो यही तो ट्रिक है कि कभी आप ऐसे परवल में इस तरीके से ऐसे ही डाल दीजिए मसाला डाल के, तो वो तेल में पूरा तेल के अंदर जाते ही वो परवल ऐसे उसका खुल जाता है और सारे मसाले तेल में फैल जाते हैं।
तो तेल भी ख़राब हो जाता है और आपका जो मसाला है वो जल भी जाता है। तो इस तरीके से आप टूथपिक्स ले लीजिए और एक एक को इसमें इस तरीके से लगा दीजिए, तो आपका जो भरवा है वो कभी नहीं खुलेगा। अगर या आप करेला या बैंगन का बना रहे हैं तो आप दो या तीन इस तरीके से टूथपिक्स डाल दीजिए, तो वो बहुत ही अच्छे से उसमें से मसाले भी नहीं निकलते हैं और आपका टेस्टी टेस्टी बिल्कुल भरवा बन के तैयार हो जाता है और मसाले अंदर रहते हैं। तो इसको थोड़ा देर के लिए और ढक देंगे क्योंकि 85% ढका था, और इसको चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी आसानी से ये और मसाला भी बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। तो हमने यहाँ चेक कर रहे थे तो देख रहे थे कि ये हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया था। फिर हम इसमें जो ऑयल था उसमें जो हमारे मसाले बचे हुए थे उसको मसाला इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि उसमें कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन था, तो मसाला हल्का सा हम कढ़ाई में डाल के भून लेंगे। फिर हमने जो आलू जो फ्रिज में रखा था, अगर आप फ्रिज में आलू रख के बनाएंगे तो आपका आलू बिल्कुल फटेगा नहीं और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आलू बनेगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा भरवा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। जब आप सर्व करने लगें तो इस स्टिक को निकाल दें। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।